झांसी जिले की प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी का हर्जाना एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इलाज चौराहे के पास ही प्रमोद पेट्रोल पंप के सामने देर रात एक तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे जा रहे युवक को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वही तेज रफ्तार बस मौके से भागने लगी तो इसी दौरान इलाज चौराहे पर नवाद थाना पुलिस ने बस को हिरासत में ले लिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ, मैं टिकट काट के दिल्ली जा रहा हूँ, गुड़गांव तो कश्मीर गेट तक ये जाएगा। सारा पैसेंजर था यहाँ पे, ठीक है, और मैं बोला अंदर ही था, एसी भी चल रहा था, तो फिर थोड़ा देर 10:30 बजे चलेगा बोला बस। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैठा तो एसी नहीं चल रहा है, तो भैया क्या हो गया, एसी चल क्यों नहीं चल रहा है, गाड़ी कब चलेगा, 11 बजने वाला है। तो उन्होंने बोला अब भी चलेगा, तो कब पैसेंजर को निकाला, फिर मैंने दोबारा पूछा कि अभी चलेगा अभी चलेगा, उसके बाद मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं मोबाइल देखने लग गया। तो आपको नहीं बताया कि ये बस एक्सीडेंट करके आई है? नहीं, खाली कर रहा है। नहीं बोला कुछ भी, नहीं, नहीं बोला। अभी कह रहा है अभी आप यहाँ बस में बंद हो, कुछ भी नहीं बोला मुझे। और ये लॉक करके आपको चले गए? हाँ। क्या हुआ? अभी मीडिया इधर आ गई तो आपको पता लगा, वरना आप ये नहीं पता लगते, मैं तो यहाँ मर जाती। आपको बस चालक ने नहीं बताया बस खाली? नहीं नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बोला अभी चल रहा है बोला। सो रहे थे क्या? नहीं, मैं तो सीरियल देख रही थी, अभी तक तो वो लोग खाली नहीं किया था। कैसे मालूम चला आपकी बस वाले? अब मैं तो देख रही हूँ तो चल रहा ही नहीं, ऐसे देख रही है तो सारा खाली हो गया। आप बस में बंद हो? बस में बंद हूँ। कहाँ से आ रही तो कहाँ जा रही थी? अरे यहाँ मेरा दीदी है झांसी में, और यही पास ही में ये पास ही में है, तो अभी मैं अपना दिल्ली वापस जा रही थी। भैया क्या हुआ? अच्छा बोलो, आप बताओ। सर मैं गाड़ी बैक कर रहा था पंप से, इलाट चौरा से गया, पंप से बैक करा, बैक करने में सामने एक ऑटो खड़ा सवारी वाला, मैं उसको बोला ऑटो वाले भैया थोड़ा आगे ले, तहसील बैठी थी, तहसील वाले बैठ गए, उसने ऑटो आगे ले लिया, मैंने गाड़ी बढ़ाई, जब कोई भी नहीं था मेरी गाड़ी के, मेरी गाड़ी ऑफिस पे 20-25 मिनट हो गए, उसके बाद गार्ड वाला आया था, वो भी ऑफिस वाले से बोला, अरे यार ऐसी ऐसी गाड़ी, मैंने बोला भैया हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, हमारी गाड़ी कैसे हुई, यही बात की, मैं गाड़ी लेके चल दी है वहाँ से। तो पता नहीं लगा कोई आदमी? नहीं सर, था ही नहीं, हमारे दोनों बाद लड़के, एक इधर भी था, एक उधर था, साठ बता। पेट्रोल पंप पे गाड़ी क्यों खड़ी करी थी आपने? खड़ी नहीं करी सर, इधर से इलाट से अपन जाते ना तो कट है, तो हमारा वापस उस साइड में पड़ जाता है हमारे इधर से, तो उसे मोड़ के पंप से हर चक्कर मोड़ते। लोगों का कहना आप डेली बस वहीं खड़ी करते थे, आपकी बसें वहीं खड़ी होती हैं डेली? होती, खड़ी नहीं होती, ओनली 10-5 मिनट ओनली, मैं सागर से आता हूँ, सागर से गाड़ी आती। तो बस स्टैंड आप लोगों के लिए बनाया गया, फिर बसें वहाँ क्यों खड़ी करी जाती? सर क्या वो ऑफिस नहीं है अपना राज का बना वाला, कि 10 मिनट खड़ी है सवारी बिठा ली। तो बस बसों वालों ने आपसे बोला था यहाँ बस खड़ी करना है आपको? नहीं नहीं, वो ऑफिस वाले वो तो वही लगवाते सर, ऑफिस वाले, ऑफिस वाले लगवाते हैं, अशोक वाला ट्रेवल्स नहीं है, उनके बाजू में लगती है, तो वो ऑफिस वाले लगवाते हैं गाड़ी, उनका ट्रेवल्स सर, अपर कैसे बोलते हैं? सही बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील तोमर।